हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको घुमा रही हूँ जहांगीराबाद का जो मार्केट होता है सैटरडे का, जहाँ पे जैसे मुर्गी बाज़ार भी कहा जाता है, वहाँ पे टाइप टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो सब होते हैं। तो क्योंकि मेरा चैनल बच्चे लोग भी देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं एनिमल्स को देख के, तो चलिए आपको मैं घुमाती हूँ, देखिए आप लोग। कैसा लगा आप लोगों को? और ये मैंने बहुत थोड़ा सा शूट करा है, यहाँ पे बहुत सारे मुर्गियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा सा ही मैं वहाँ से निकल रही थी तो मैंने शूट किया। और मैं जा रही हूँ मार्केट, तो चलिए आपको घुमाती हूँ मार्केट सिटी जैसे कहते हैं चौक। तो ये कुछ मैंने ज्वेलरी ली थी अपने लिए, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखाती हूँ। और इसका मैं अलग से अपनी ज्वेलरी का एक वीडियो बनाऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास क्या क्या है। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है, बट जो भी है मैं आपको दिखाऊंगी, जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगी। और ये मैंने शॉपिंग की थी, और जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, वैसे मैं कई जगह से करती हूँ, बट जहाँ से मैं इस वक्त शॉपिंग की थी तो वहाँ से मैं उनसे पूछा, परमिशन ली, उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे। तो मैंने उनका जो दुकान थी, शॉप थी उनकी, तो उसका भी वीडियो बनाया। तो आप लोग जो भी देखना चाह रहे हैं, अच्छे रेट पे ये यहाँ पर हर तरह की ज्वेलरी मिलती है, एडी की और सिग्निटी की हर तरह की ज्वेलरी मिल जाती है आपको, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। और सभी तरीके के प्राइजेस जैसे आप चाहते हैं उस टाइप से आपको मिल जाएगी, और अच्छी क्वालिटी होती है। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। और ये दुकान का एड्रेस है, जा सकते हैं आप लोग। तो मैंने इसलिए ही वीडियो शूट किया क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो के देखते हैं, और देख के उनका भी दिल होता है कि चलिए हम भी मतलब शॉपिंग करते हैं। तो जो जानते होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो आप जा सकते हैं। और बस जो मैंने अपने लिए ज्वेलरी ख़रीदी है तो वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया है। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, तो चलिए आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी। Thank you.
हम खा रहे हैं पानी फुल्की, गोलगप्पे और जो भी कहते हैं इसे, तो ये हमारी फेवरेट जगह है जहाँ से हम ये खाते हैं काफ़ी टाइम से, अच्छी लगती है हमें यहाँ की। तो जब भी हम सिटी आते हैं तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर खाते हैं, मूड होता है अगर तो। और साथ ही बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं, दोबारा से रीओपन हो गए हैं, तो हम उनके बैग्स देख रहे थे, तो क्योंकि हर साल ये बैग्स चाहिए होते हैं, अभी तक नहीं ले पाए थे, जाना नहीं हो पा रहा था, तो हम उनके लिए बैग्स लेने आए थे, तो वही मैंने थोड़ा सा शूट किया। सो ये बैग हमें पसंद आए थे, बट इसके अंदर जो है रैगजीन है, और बारिश में रैगजीन वगैरह गीला हो जाता है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और ये मतलब फ़ाइनल करने के बाद फिर हम थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए। तो जो मैंने बैग्स लिए हैं वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी। तो ये फ़ाइनल हो गए थे, बट उसके बाद कुछ हमें लगा कर यार नहीं ये तो बहुत जल्दी मतलब ख़राब हो सकते हैं क्योंकि इसमें रैगजीन है। तो जो हमने लिए हैं तो वो भी मैं जल्दी दिखाऊंगी इंशाल्लाह से। और साथ ही हमें एक्वेरियम के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हम जा रहे थे, हमारे एक्वेरियम का शायद कुछ फिल्टर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, तो उसको चेंज करना था हमें। तो देखिए कितना प्यारा सा व्यू है, और इसका मैंने अलग सेपरेट सा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा वो। और फिर भी मैंने थोड़ी सी इसमें क्लिप्स डाल दी हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत सा व्यू था। तो डेफिनेटली आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। एंड मुझे पता चला कि मेरा लास्ट का जो वीडियो था फिश एक्वेरियम वाला, वो सबको बहुत पसंद आया। और बच्चा पार्टी है आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं फिर से फिश एक्वेरियम पे एक बहुत अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। और मैं इसमें थोड़ा सा मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना कि प्रीमियर जो होता है, थोड़ा सा एक्शन डाल रही हूँ कि देखिए ये मतलब सिर्फ ये ट्रेलर है तो पूरी फिल्म किस तरह से होगी। सो वेट एंड वॉच। तो उसके बाद ये सब शॉपिंग करके हम निकल गए थे, बट इसके बाद इस हमें जहांगीराबाद जाना था, थोड़ी सी शॉपिंग हमारी बची थी। सो उस दिन लगता है मार्केट, तो हमने सोचा चलिए थोड़ी बहुत जो हमें सब्ज़ी वगैरह वेजिटेबल्स लेनी थी तो हम वहीं से लेते हैं। तो ये हम निकल गए थे हमारे घर के लिए, और ये है ऑन द वे व्यू। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम पहुँचे मार्केट, वहाँ पे शुरू हो गई थी बारिश, और फिर हमको वहीं रुकना पड़ा तकरीबन एक घंटा पौन घंटा के करीब हमें रुकना पड़ा। और जहाँ हम रुके वहाँ थी शॉप, और ये शॉप पे हम शादी से पहले मैं बहुत जाया करती थी, और फाइनली मैं वहीं रुकी तो मुझे एकदम से याद आ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। तो मैंने कहा चलिए टाइम पास कहाँ करें अब, तो मैं चली गई शॉप के अंदर, मैंने कहा चलिए देखती हूँ। तो वहाँ मुझे ये येलो कलर की जो फ्रॉक दिख रही है मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने इसे ले लिया। और भी अच्छे ड्रेसेस थे काफ़ी, तो ये शगुन ज्वेलर्स के पास में है जहांगीराबाद में, जो जाना चाहे वहाँ देख ले, काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट पे चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे। और ये बचपन से मैं जानती हूँ उसको, और साथ ही मैंने एक लिया था यहाँ से जो ट्राउज़र और
पैरला प्लाजो जो कहलाते हैं प्रिंटेड चेक्स में, तो वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ चीज़ें, तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े थे वहाँ पे, तो मैंने ये लिया है और ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये कपड़ा वगैरह भी बहुत अच्छा था और रेट भी बहुत अच्छा है इसका, आई थिंक 300 या 350 ऐसा कुछ समथिंग है, बट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल आप जाइए जहांगीराबाद में शगुन ज्वेलर्स के पास में है दुकान, अच्छी दुकान है वो, हम ले चुके हैं, तो क्वालिटी वालिटी रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। यू कैन बाय इफ़ यू वॉन्ट, एंड आप चाहें तो बता सकते हैं जहाँ भी आप मेरे थ्रू जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, उसमें कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है और ना ही शायद आपको डिस्काउंट मिले, बट ये है कि उन्हें पता तो चलेगा कि आप मेरे वीडियो के थ्रू आए हैं, तो आप चाहें तो उन्हें बता सकते हैं। और फिर नहीं रुका तब पानी, तो बस हमने इतना वेट करने के बाद भीगते भागते घर आए जैसे तैसे और चेंज करके फिर मैंने ये बनाया भुर्जी। मैंने कहा अब मैं तो, क्योंकि मैं ऐसे कुछ बना गई नहीं थी इतनी देर के लिए, बट बारिश ने टाइम ख़राब कर दिया, तो फिर मैं जल्दी से आके मैंने ये जो एग की भुर्जी होती है, अंडा भुर्जी कहते हैं जिससे, तो मैंने वो बनाई आके जल्दी जल्दी, तो उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ फटाफट क्विक सी, बिकॉज के आप लोगों को मैं नहीं कर पाती हूँ जल्दी अपलोड नहीं हो पाता, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं और फिर बस बना लेते हैं जैसे भी बन दिखता है उसमें। सो यहाँ प्याज, ऑयल, प्याज और हरी मिर्च, नमक, ये सब डाल के मैंने अच्छे से फ्राई किया और ये डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, ये बड़ी अच्छी होती है भैया, आजकल पिज़्ज़ा विज़्ज़ा हर चीज़ में डलती है, तो इसको तो आप बना के रखा करें, तो ये स्प्रिंकल कर दें और साथ ही ये अंडा डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, तो इतना बढ़िया सी मतलब मुझे तैयार हो गई थी और हमने ये डिनर में लिया उस दिन। और बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग जो मेरे पास शूट था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, एंड आपको कैसा लगा बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस, एंड लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो तो, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ मैसेजेस कर सकते हैं, हम दोस्ती कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।